हेलो, इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के कमेंट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो कमेंट ग्रुप, इसका काम क्या होता है ये? तो एमएस वर्ड में हम वर्ड या पैराग्राफ लिखते हैं और हम चाहते हैं कि उस वर्ड या पैराग्राफ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखें, और उसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में दिखाई ना दे, और जब हम प्रिंट निकालें तो वो प्रिंट में दिखाई ना दे। तो इसके लिए हम कमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करने के लिए यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे जाएंगे। पहले क्या करेंगे, हम ये इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कमेंट ग्रुप के न्यू कमेंट यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये देखो वीडियो को सिलेक्ट किया था, इसका यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए आ गया ये। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपने चैनल का नाम, ये बायस ज्ञान टेक, ये मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया ये। इसके बाद हम ये सेकंड वर्ल्ड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये वर्ल्ड हमने सेलेक्ट किया, अब ये सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कमेंट यहाँ पे जाएंगे। ये देखो सेकंड कमेंट यहाँ पे लिखने के लिए आएगा ये। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे पीसी के बारे में, पर्सनल कंप्यूटर, ये मैंने लिखा यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद ये वर्ड, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे कमेंट लगाना ये, तो पूरे पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू, इसके लिए कमेंट हमने यहाँ पे लिखना है ये। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इसके बारे में, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, ये हमने इसके लिए कमेंट लिख दिया ये। इसके बाद अगला वर्ड हमने सेलेक्ट किया ये, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एमएस इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट पे गए, इसके लिए यहाँ पे कमेंट लिखा ये, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे मैंने इसके लिए कमेंट सेट कर दिया। इसके बाद अगला ये, जैसे ये हमने सी यू, इसके लिए कमेंट यहाँ पे लिखना है ये। तो इसके लिए न्यू कमेंट यहाँ पे गए, ये आ गया, यहाँ पे लिखा हमने जैसे कंट्रोल यूनिट ये। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे कमेंट लिख दिए। अगर हम चाहते हैं कि ये जितने कमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे जितने भी कमेंट है ये सभी हाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये शो कमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सभी हाइड हो जाएंगे। ये देखो यहाँ से सभी ये चलेंगे। अब क्या है, ये जो सिंबल है इनके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि पहले के लिए कौन सा कमेंट लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे सिंबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो अगर कमेंट हमने देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका जो पहले सिंबल का कमेंट है ये है बायस ज्ञान टेक, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद अगर दूसरे का देखना है ये, तो ये दूसरे का कमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो दूसरे के लिए। अब तीसरे के लिए, ये तीसरा है, जैसे पैराग्राफ के लिए लगाया था ये, तो ये तीसरा आ जाएगा। ये देखो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगला कमेंट चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ये अगले यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे। ये देखो अगला जो है हमारा एमएस है, ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए लिखा हुआ है। ये अगला चेक करना है, तो इसके लिए क्लिक करेंगे, ये अगले के लिए यहाँ पे आ जाएगा ये जो भी हमने कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो इस प्रकार हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं ये। इसके बाद अगर हमने इसको देखना है ये आगे, या हट जाए, हाइड हो जाए और यहाँ पे आ जाए ये कमेंट, तो हम यहाँ पे शो कमेंट यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे जितने भी कमेंट हमने लिखे हुए हैं ये सभी आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पहले पे क्लिक किया हुआ है ये,
अगर हमने कमेंट देखना है कि अगला कमेंट चेक करना है, तो ये अपने आप ही अगले कमेंट के ऊपर चला जाएगा। ये देखो नेक्स्ट, ये अगले कमेंट के ऊपर चले गए। इससे अगला दिखना है, ये देखो अगला ये है, इससे अगला ये है, इससे अगला दिखना है, इससे अगला जो है ये है। अगर पीछे वाला कमेंट चेक करना है हमने, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस, ये देखो प्रीवियस, इससे पीछे ये है, इससे पीछे ये है, इससे पीछे ये है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जितने यहाँ पे कमेंट लिखे हुआ है ये डिलीट करने हैं, जैसे सपोज करो पहला ये कमेंट डिलीट करना है, तो इसके लिए डिलीट पे जाएंगे, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखो पहला यहाँ पे जो कमेंट है ये चला जाएगा। अब ये जो रहा है ये इसका है, ये पीसी का है, ये तो ये भी हमने यहाँ पे हटाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी कमेंट चला जाएगा। अगर हम सभी कमेंट को एक साथ हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए डिलीट पे जाएंगे, डिलीट आल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट लगाए हुए हैं सभी डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो क्लिक किया, तो जितने भी यहाँ पे कमेंट लगे थे ये सभी के सभी यहाँ से चले जाएंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने रिव्यू टैब के कमेंट ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और एमएस वर्ड की पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।